व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम लगाएंगे गाइस कंपाउंड लिफ्ट वर्कआउट, इसे आप फुल बॉडी वर्कआउट भी कह सकते हैं। चाहे आपका गोल है फैट लॉस करना, चाहे मसल गेन करना, दोनों ही गोल्स के अंदर ये वर्कआउट बहुत ही इफेक्टिव है। और गाइस, अगर आप वीक में 2 या 3 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं और बाकी के दिन आप कार्डियो को देना चाहते हैं, या फिर अगर आप बिजी शेड्यूल की वजह से जिम नहीं जा पाए हैं, पूरा वीक आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन है वेट ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप इस वर्कआउट को गाइस फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपने ओवरऑल बॉडी के मसल्स को प्रॉपरली ट्रेन कर पाएंगे। फुल बॉडी के मसल्स, आपके जो बड़े मसल्स हैं उन पर हमारा फोकस रहता है। बेसिकली कंपाउंड वर्कआउट होता है गाइस आपका, जिसमें आप अपने मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मसल्स ग्रुप को जो है ट्रेन करते हो, जिसमें आपके बड़े छोटे सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। हम फुल बॉडी का वार्म अप यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी जब वार्म अप हो जाएगी उसके बाद आप कंपाउंड लिफ्ट्स लगाएंगे तो आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और वार्म अप के बाद हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर लगा रहे हैं वो है बॉडी स्क्वैट्स। इसके आपने लगाने हैं 2 सेट, रेपिटेशन 20 से 25, क्योंकि इसके बाद हम बारबेल स्क्वैट लगाएंगे वेट के साथ। उससे पहले हमारी लेग्स में ब्लड फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी स्क्वैट लगाने के बाद यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज है वो है गाइस बारबेल स्क्वैट्स। अपने बारबेल स्क्वैट के लगाने हैं 2 सेट, रेपिटेशन 8 से 12। वेट थोड़ा सा हैवी आप लिफ्ट करेंगे। फॉर्म का ध्यान रखना है, आपने बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, धीरे धीरे नीचे जाना है आपने, बहुत तेज़ जल्दबाजी में एक्सरसाइज नहीं करनी है गाइस। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है गाइस पुशअप्स, क्योंकि पुशअप्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। अपने चेस्ट में अच्छे से ब्लड फ्लो के लिए आप पुशअप्स के 2 सेट लगाएंगे, रेपिटेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं। अब अगली हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज है यहाँ पर, दिस इज़ चेस्ट डिप्स। और इसके गाइस आपने लगाने हैं 2 सेट, रेपिटेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज गाइस बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके शोल्डर्स के लिए, आपके चेस्ट के लिए और आपके ट्राइसेप्स के लिए। पर हमारी गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। इसके हम लगाएंगे 2 सेट, वेट थोड़ा सा हैवी आप लिफ्ट करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और रेपिटेशन आपकी 8, 10, 12 के आसपास रहेंगी। और ध्यान रखें पोस्चर का, आपने बार को बहुत ज़्यादा क्लोज या बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है। आपकी जो एल्बोज़ हैं वो आपकी हैंड्स की ग्रिप से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी एल्बोज़ बाहर जा रही हैं तो आप एल्बोज़ को थोड़ा सा क्लोज़ कीजिए और अपने हैंड्स को थोड़ा सा वाइड कीजिए, तभी आप अच्छे से अपनी चेस्ट को स्ट्रेच एंड स्क्वीज कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं गाइस यहाँ पर इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसके भी 2 सेट लगाएंगे, वेट थोड़ा सा हैवी, 8 से 10 रेपिटेशंस। इसमें भी आप पोस्चर का ध्यान रखें, बैक बिल्कुल स्ट्रेट और स्लो फॉर्म में आपने नीचे लेकर आना है बार को। और जब भी आप बार को नीचे लेके आते हैं तो आपने ब्रीथ इन करना है, जब आप बार को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो आपने ब्रीथ आउट करना है गाइस। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे गाइस यहाँ पर बारबेल शोल्डर प्रेस फ्रंट में। इसके 2 सेट, रेपिटेशन 8 से 12। और बैक का आपको ख़ास ध्यान रखना है गाइस, इसमें आपके बैक में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है गाइस पुलअप्स, जो कि बैक की और बाइसेप्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके 2 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं। और पुलअप्स अगर आप से नहीं लगते हैं गाइस
तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप एक पैर की सपोर्ट लेकर पुलअप्स ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जो है पुलअप्स लगाने लगेंगे, एक दो जितने भी आपसे लगते हैं आपने उतने पुलअप्स लगाने हैं। अब हम लगा रहे हैं गाइस यहाँ पर बैक की एक और एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं बारबेल रोज। इसके भी आपने दो सेट लगाने हैं, वेट थोड़ा सा हैवी और रेपिटेशन 8 से 12 के बीच में आपने रखनी है। और जब भी आप बार को ऊपर लेकर आते हैं तो आपने हल्का सा उसको होल्ड करना है एक सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ उसको आपने रिलीज़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत तेज इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं जिससे उनकी मसल अच्छे से टारगेट नहीं हो पाता, साथ ही लोअर बैक में इंजरी के चांसेस भी उनके ज़्यादा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है गाइस डेड लिफ्ट। जहाँ पर कंपाउंड लिफ्ट की बात हो और वहाँ पर डेड लिफ्ट ना हो गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डेड लिफ्ट यहाँ पर हम लगाएंगे, थोड़ा सा वेट हैवी, रेपिटेशन आपने रखनी है 6 से 8। और वेट जब आप हैवी लगाएंगे तो आपने बेल्ट का यूज़ करना है गाइस, क्योंकि इसमें लोअर बैक में इंजरी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो आप सेफ्टी के लिए बेल्ट यूज़ कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आपके पोस्चर को सही करने में। अब हम गाइस थोड़े से बाइसेप ट्राइसेप को भी ट्रेन करेंगे। यहाँ पर हम लगा रहे हैं स्ट्रेट बार बाइसेप्स कर्ल और इसमें हम लगाएंगे 2 सेट रेपिटेशन 8 से 12। और थोड़ा सा आपने हैवी लिफ्ट करना है गाइस, और आप चाहें तो किसी की हेल्प या सपोर्ट भी ले सकते हैं इस एक्सरसाइज में जब आप हैवी वेट लिफ्ट करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज है गाइस यहाँ पर स्कल क्रशर 2 सेट 8 से 12 रैप। आप चाहे तो 15 तक भी इसके रैप्स लगा सकते हैं। और गाइस इसमें पोस्चर का खास ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी एल्बोज बिल्कुल क्लोज हैं, आपने एल्बोज को बाहर की तरफ नहीं खोलना है। अगर आपकी एल्बोज खुल रही हैं तो आप वेट थोड़ा सा लाइट कर लीजिए, एल्बोज को आपने अपने रूफ की तरफ सीलिंग की तरफ रखना है और स्लो फॉर्म में इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है।